उठो उठो, चलो उठो उठो क्या? उठो ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबने देखा ही होगा, मुझ पे सुबह सुबह बहुत जुल्म हुआ है और हादी ने मुझे मेरी मीठी सी नींद से जगा दिया। तो चलिए, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं कहीं स्पेशल जगह, और आज तो मैं सस्पेंस रखूंगा। आज मैं आपको नहीं बताने वाला कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो खुद देखिए पूरा व्लॉग और जानिए कि हम आज कहाँ जाने वाले हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, अब हम हो चुके हैं तैयार। नाउ इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन, तो चलते हैं। सो गाइस, पहले हम डलवाते हैं स्कूटी में तेल और उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। As you all can see, today's weather is really very good. आज का मौसम जो है बहुत ही ज्यादा सुहाना है। So देखते हैं ये रास्ते हमें कहाँ ले जाते हैं, कहाँ है हमारी मंजिल। तब तक के लिए बने रहिए। So guys, as you all can see, it is the beautiful Dal Lake. वैसे तो सब यहीं के लोग हैं जो मेरी चैनल देखते हैं, बिकॉज मेरी चैनल जो है अभी नई बनी है और ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है बाहर के नहीं है। बट इफ़ समहाउ एनीबॉडी इज़ वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ द ब्यूटीफुल डल लेक। जो अभी कश्मीर नहीं आया है, जिसने भी कश्मीर विजिट नहीं किया है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक क्लोज व्यू डल लेक। डल लेक का नज़ारा भी दिखा दिया है। अभी हम चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे मैं आपको और भी वीडियोस बना के दिखा सकूं और आपको भी अच्छा लगे। सो गाइज, आई थिंक यू ऑल माइट हैव गेस्ड इट कि हम कहाँ जा रहे हैं। इफ नॉट देन वेट फॉर द सस्पेंस। आप देख सकते हैं सुनसान सड़क है, हर तरफ जंगल, कोहरा ही कोहरा। लेट्स सी कहां ले जाते हैं रास्ते हमें। तो आप देख सकते हैं कि हम एक घने जंगल में, और यहां पर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है साफ साफ शब्दों में कि वाइल्ड एनिमल्स इन द एरिया, प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट लीव द मेन रोड ट्रैक्स। खतरा। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। सो गाइस, ये एक रिक्वेस्ट है टूरिस्ट्स के लिए, एज वेल एज जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी, कि जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो हमेशा फॉलो करनी चाहिए और अपने आप को हमेशा सेफ रखना चाहिए। अभी हम चलते हैं आगे और बने रहिए हमारे साथ। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं है, अब तो पता चल ही गया होगा कि हम आए हैं परी महल। ये जो महल है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, और कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ पे परियां हुआ करती थी। काश मुझे भी कोई परी मिल जाए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सिर्फ एक जोक था, सीरियसली मत लीजिए। बट कहने की बात ये है कि इस परी महल से जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी सीनरी दिखाई देती है, जैसा कि आप सबको पता ही चल चुका होगा, और मैं थोड़ा और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी तो बस ये खूबसूरती की शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कमेंट एंड शेयर माय ब्लॉग। सो गाइज, वी हैव रीच द टॉप फ्लोर। हम इस महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ कितना खूबसूरत दिखाई देता है।
एंड नाउ इट्स टाइम कि हम टूरिस्ट से बात करें, उनसे पूछे कि कश्मीर के बारे में उनकी क्या राय है और कश्मीरी लोग उन्हें कैसे लगे। सो व्हाट्स योर नेम फ्रेंड? संजय। संजय, यू लाइक कश्मीर? या यू एंजॉयड कमिंग हियर? एंजॉय। यू एंजॉय? एंजॉय। ओके, आई होप यू विल एंजॉय मोर एंड यू विल लाइक कश्मीर एंड कश्मीरी पीपल ऑल्सो। हां, यस। ओके, बाय। थैंक यू। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे कि इनको कश्मीर कैसा लगा। सर, क्या कहना है आपको कश्मीर के बारे में? कश्मीर तो बहुत सुंदर है, अच्छी है, बहुत अच्छा है। आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? मजा आ रहा है। आप एंजॉय कर रहे हैं? यस। तो कितने टाइम का स्टे है आपका यहाँ पे? 5 दिन का है। 5 दिन का, तो एंजॉय कीजिए। हम दुआ करते हैं आपको यहाँ पे और भी मजा आए। ठीक है, थैंक यू। एज वी कैन सी द टूरिस्ट्स आर एंजॉयिंग वेरी मच, स्पेशली द किड्स हियर। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो व्हाट्स योर नेम? अनंत सिंह। आप किस क्लास में? मैं 3rd। वो एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पे कश्मीर में स्टे अपना? हाँ। आपको कैसा लगा कश्मीर? अच्छा। अच्छा लगा? और कुछ कहना चाहोगे? सो गाइज, अब हमने टूरिस्ट से बात भी कर ली है और हमने परी महल जो है पूरा एक्सप्लोर भी कर लिया है। तो अब वक्त है कि हम घर की तरफ चले, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा देर हो रही है और इफ्तारी का समय भी होने वाला है। सो आई थिंक वी शुड लीव। मिलते हैं। सो गाइज, हमने निकाल ली है एक्टिवा और जैसा मैंने आप सबसे कहा था, हम निकल चुके हैं घर की तरफ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। वी आर एंजॉयिंग द राइड। सो गाइज, टूवर्ड्स अवर राइट इट्स कृष्णा वैष्णवी ढाबा, कृष्णा वैष्णवी भोजनालय। वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर द वेजिटेरियन पीपल। आई विल रिकमेंड, जो भी कश्मीर आए यहाँ पर एक बार ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ का खाना जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आई हैव ट्राइड इट ऑल्सो सेवरल टाइम्स, इट्स रियली वेरी डिलीशियस, इट्स ए क्लास। सो गाइज, हम चल रहे हैं घर की तरफ और हमें बस यहाँ से 10 मिनट लगेंगे घर तक। सो गाइज, टुवर्ड्स आवर राइट इट्स माय बिलोव्ड स्कूल, जहाँ मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब गया था। अब तो इंशाल्लाह भी एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम के बाद मिलने आऊंगा तुझसे, पक्का मिलने आऊंगा दोस्त। सो गाइज, हम आ चुके हैं वापस बटामलू और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वीकली टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार शॉट्स लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है देखने के लिए ये टेनिस टूर्नामेंट। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखते हुए। कश्मीर से अपनों में लोग ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। कैमरा मैन हमस के साथ मीरू में। सारे रुकिए रुकिए रुकिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। मजाक कर रहा था। हम आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वी हैव रीच्ड होम। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।